नमस्कार, मैं हूं परिधि और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूं। मुझसे पूछा गया है कि आरटीपीसीआर में जो कोविड टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट में एक सीटी वैल्यू होती है, उसका क्या मतलब होता है? तो मैं आपको फटाफट बहुत ब्रीफ में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप प्लीज़ इसको पूरा सुनिए। सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू इन आरटीपीसीआर, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको कोविड है या नहीं, और अगर कोविड है तो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा हाई है। मतलब आपको कोविड बहुत एक्सट्रीम लेवल का है या आपको हल्का इन्फेक्शन है, तो हमें सीटी वैल्यू से ये पता चलता है। अब आप पूछेंगे कि सीटी वैल्यू कैसे पता चले कि हमें इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। कंसीडर कर लीजिए कि एक होटल है जिसमें 40 कमरे हैं, ठीक है। आप एक एक कमरे को एक एक नंबर दे दीजिए 1 to 40 तक, ठीक है। अब अचानक से क्या होता है कि टेररिस्ट अटैक कर देते हैं उस होटल पे, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो सबसे पहला टेररिस्ट घुसेगा वो सबसे आखिरी के कमरे में जाएगा, ओके। तो अब हमने आरटीपीसीआर कराया, मतलब हमने वहाँ पे छापा मारा, उस होटल पे पुलिस ने छापा मारा, तो क्या होता है, दो केसेस होंगे, राइट। पहला केस में क्या होगा कि आप चले 3 4 कमरों तक, चौथे कमरे के बाद आपको पता लग गया कि 5वें कमरे से सब में टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर क्या हुआ फ्री रूम्स का, 4 out of 40, ठीक है। इसका मतलब डेंजर लेवल बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में आप ऐसे समझ लीजिए कि आप 38th रूम तक गए चलते चलते, और वहाँ तक कोई टेररिस्ट नहीं था, सिर्फ 39th और 40th रूम में टेररिस्ट थे, तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत कम है, टेररिस्ट नहीं है, खतरा नहीं है। इसी तरह से सीटी वैल्यू से हमें पता चलता है कि जो हमें कोरोना का इफेक्ट है या जो हमारा इंटेंसिटी है कोरोना की, वो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या इनकन्सिडरेबल है, हम कह नहीं सकते। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि लैब्स में रिएजेंट अलग होने के कारण से आरटीपीसीआर में सीटी की कट ऑफ वैल्यू जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो हम किसी एक वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते। इन जनरल हम फॉर एग्जांपल 24 कंसीडर करते हैं, यूजुअली 24 या 28 को कंसीडर किया जाता है, बट कहीं कहीं इसके अलावा भी वैल्यूज़ होती हैं, कट ऑफ वैल्यू आरटीपीसीआर में सीटी की कट ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम अपने कट ऑफ को 24 पे सेट करते हैं। कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो हमने अपने कट ऑफ को 24 मान लिया। अब क्या आपके रिपोर्ट में जो सीटी वैल्यू आई वो है 32, तो 32 का क्या मतलब हुआ कि आप कट ऑफ वैल्यू से बहुत आगे हैं। लाइक 24 पे था ना आपका कट ऑफ और आपका स्कोर आया 32, तो मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें कट ऑफ वैल्यू हमारा 24 है और आपका स्कोर आता है सीटी का 25, तो उस सिचुएशन में रिजल्ट्स आर इनकन्क्लूसिव। इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि आपको कोरोना है या नहीं, क्योंकि ये डे बाय डे चेंज हो सकता है, राइट। तीसरे सिचुएशन में आपका जो सीटी वैल्यू है, कट ऑफ हमारा 24 ही चल रहा है और आपका जो सीटी आया है फॉर एग्जांपल वो आया है 18, तो इसका मतलब आपको कोरोना है। जितना कम आपका सीटी वैल्यू होगा उतना ज़्यादा आपको कोरोना होगा, जितना ज़्यादा आपका सीटी वैल्यू होगा उतना कम आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। कम आपको इन्फेक्शन है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, बाहर फालतू में निकलें और बिना मास्क के निकलें। गाइडलाइंस को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, ठीक है, और अपना ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। यही था सीटी के बारे में, सीटी वैल्यू के बारे में, आरटीपीसीआर में कैसे आपको पता लगे कि आपका साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू आरटीपीसीआर में कितना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिपोर्ट ले रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर आस्किंग योर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कि आपके रिपोर्ट का कट ऑफ वैल्यू क्या है, बिकॉज़ इट चेंजेस फ्रॉम लैब टू लैब। इस लैब का कट ऑफ वैल्यू 24 हो सकता है तो अगली का 28 हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको पूछ लीजिएगा कि मेरे रिपोर्ट में जो आरटीपीसीआर की कट ऑफ वैल्यू है सीटी की वो क्या है। प्लीज़ इस वीडियो को
सेवा समझकर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी सेवा इसी तरह कर सकती हूँ कि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर पाऊँ और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। आप मुझे और सभी और लोगों को सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनको अवेयर कीजिए इस जानकारी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।